ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात को देखते हुए बैठक बुलाई गई। करीब 18,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तेज किए गए हैं। बैठक में विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, कितनी अहम है बैठक, क्योंकि अभी तमाम सारे छात्र अभी वहां फंसे हुए हैं। देखिए, बैठक काफी अहम है क्योंकि जिस तरह से तमाम छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकार उनकी मदद करे। हालांकि छात्रों को भरोसा है, कई छात्रों से बात हुई है तो साफ तौर पर कहना था कि किस तरह से कोरोना काल में तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान जब हालात थे तो सरकार ने किस तरह से बाहर निकाला, तो ऐसे में अब सरकार से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिरकार यूक्रेन से कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। और यही बड़ी वजह है कि अहम बैठक होने वाली, ना सिर्फ जैसे अजीत डोभाल बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के साथ कई सचिव जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय की बात करें या रक्षा मंत्रालय की बात करें। जाहिर तौर पे सरकार जो है विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि अब जिस तरह से एयर इंडिया का विमान जो है वो यूक्रेन पहुंचा था लेकिन उससे उसके बाद वहां लैंड नहीं कर पाया, उसके बाद उसकी वापसी हुई क्योंकि यूक्रेन ने अपने एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। और ऐसे में अब किस तरह के हालात हो जैसे जिससे भारतीय छात्रों को बाहर निकाला जाए, भारतीयों को बाहर निकाला जाए, और इस पे सरकार की नजर है। यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिसे लेके आज की बैठक काफी अहम रहने वाली है। सरकार तमाम मुद्दों पे विचार कर रही है, ये भी इन मुद्दों पे भी विचार कर रही है, क्या भारतीय वीजा अगर जिन लोगों के पास है या भारतीय पासपोर्ट जिन लोगों के पास में, क्या पासपोर्ट के बिहाब पे पड़ोसी देश पोलैंड जैसे देश जो लगे हुए हैं, क्या वो लोग भारतीय छात्रों को अपने यहाँ पे प्रवेश दे सकते हैं, अपने यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर सकता। सरकार इस पे भी विचार कर रही है। तमाम जो यूक्रेन सीमा से लगे देश हैं उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी हो गया है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस ना सिर्फ दी गई बल्कि नंबर भी अवेलेबल कराए गए कि तमाम लोग जो है वो दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदा लैंडलाइन नंबर दिए गए जिनसे छात्र संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के जिस तरह से हालात बने हुए, छात्रों को पश्चिम में रहने के लिए कहा गया है क्योंकि सरकार की जब भी कोई गाइडलाइंस आएगी, दिशा निर्देश होगा, तो उसके अनुसार तमाम भारतीय छात्र जो कि यूक्रेन से निकलना चाहते जाहिर तौर पर वो उसका पालन करेंगे। और ऐसे में कई ऐसे देश हैं जो सड़क सीमा के जरिए यूक्रेन से उन देशों में भारतीय छात्रों को प्रवेश दिलाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये निर्णय जो है वो छात्र नहीं कर सकते, सरकार ही इस तरह के डिसीजन ले सकती है, तमाम राज्यों से बात कर सकती, तमाम देशों से बात कर सकती है, तो उन देशों से लगातार बातचीत, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा वो देखना होगा। बैठक बहुत अहम है और इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, जो छात्र फंसे उनके लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मीटिंग में पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री का रोल काफी अहम है क्योंकि ये मामला यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। और वक्त हो चला है एक छोटा